राजस्थान के जयपुर के रहने वाले लक्ष्मण सिंह मिसाल बन गए हैं। दूदू तहसील के लापोड़िया गांव में कुएं सालों से सूखे पड़े थे। लक्ष्मण सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पानी लाने का लक्ष्य बनाया। पानी लाने के लिए लक्ष्मण सिंह ने पढ़ाई तक छोड़ दी। लापोड़िया में अब पानी के 3 तालाब हैं। देखिए इंडिया 24/7 की स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर की दूदू तहसील का गाँव लापोड़िया करीब 38 बरस पहले वीरान होने की कगार पर था। कुएं खाली हो रहे थे, जलस्तर 60-70 फीट के आसपास पहुंच गया था। गांव से पलायन करते लोगों को देख 10वीं में पढ़ रहे लक्ष्मण सिंह ने इरादा बदल दिया और पढ़ाई छोड़ पानी जोड़ने की जुगत में लग गए। देखो, वैसे तो बात बहुत पुरानी है, मेरा बचपन की कहानी हो सकती है, क्योंकि मैं सब 1977 में करीबन 18-20 साल का था। तब से मुझे एक किल्लत हुई, क्योंकि मैं लापोड़िया का रहने वाला हूँ और लापोड़िया गांव में ही पानी नहीं है, अजीब बात है। तो मैं जयपुर पढ़ता था, मैंने इसी बात पर पढ़ाई छोड़ करके और पानी के काम में लगा। शुरुआत तो मेरी इस ढंग की हुई कि मेरी साइकिल के ऊपर एक कुदाल, एक पावड़ा और एक तगारी लेकर के रोज़ सुबह मेरे खेत पे मिट्टी डालने जाता, ताकि बारिश का पानी रुक सके। पानी बचाने की मुहिम की शुरुआत मुख्य तालाब से हुई। तालाब पर देवी का श्राप बताया जा रहा था, लेकिन पानी रोकने वाली दीवार दुरुस्त की तो बारिश के बाद सब कुछ ठीक होने लगा। पानी सहेजने के लिए शुरुआत में कई स्तरों पर सरकारी मदद के लिए संपर्क किया, लेकिन पूरी तरह निर्भर नहीं रहे। जल संरक्षण के जो काम हुए हैं, उससे पहले लापोड़िया का जो जल स्तर था वो 50-60 फीट नीचे था। कुएं मतलब सूखे जैसे लगते थे, और जब ये जल संरक्षण का काम हमारे गांव में हुआ, जितने भी खेती वाले कुएं या पीने वाले पनगट जैसे हैं, उनका जलस्तर 5-7 फीट या 8 फीट से ज्यादा नीचे नहीं है। अभी जलस्तर काफी ऊपर आ गए। लापोड़िया गांव में आज 5 एनीकट और 3 तालाब हैं। इस पानी से लोगों की प्यास बुझ रही है तो धरती भी अच्छी उपज दे रही है। हमारे यहाँ 4,400 बीघा जमीन है, उसमें से हम लोगों ने लगभग 3,500 बीघा जमीन को सिंचित कर दिया है। बार बारिश बहुत कम हुई है, इसलिए ये तालाब नहीं भरा है, लेकिन फिर भी आपको ये पानी दिख रहा है। ये सब लोगों की मेहनत की वजह से है कि यहाँ बहुत कम बारिश में भी पानी यहाँ है। पानी सहेजने के लिए गांव के नौजवानों की एक टीम बनाकर शुरुआत की गई थी। बाद में इसे ग्राम विकास नवयुवक मंडल का नाम दे दिया गया। पानी का बंटवारा भी समान तरीके से किया जा रहा है। पानी पोलावा मुशियार करा और पचपेर पहाड़ पोषण मुटियार करा। इसमें फायदा सभी का है, यहाँ के पशुपालन बढ़ा है, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते हैं, यहाँ जो पशुओं के लिए पातरी लूम हरा चारा ये बहुत बढ़ा है। इसमें गौचरण भी होती, चारा भी नहीं था, ये लोग कहीं करवा लगे तो सही होया, चारा भी हो गया, पानी भी थोड़ा बहुत हो गया। इसमें पानी भी दुखी नहीं पाते हम, खेती कैसे करो नहीं। पानी सहेजने के साथ ही यहाँ पशु पक्षियों वन्य जीवों को सहेजने का भी काम हुआ है। यहाँ किसी भी जीव का शिकार नहीं होता। चूहों तक के लिए बकायदा चूहागर नाम से अलग एरिया बना दिया गया है। जयपुर से शशिमोहन शर्मा, इंडिया 24/7।